हरिद्वार में आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। हर की पौड़ी पर 8 बजे तक चले स्नान के बाद श्रद्धालुओं से खाली करा दिया गया। अखाड़ों के स्नान से पहले पूरी हर की पौड़ी क्षेत्र की साफ सफाई कराई गई। अब साधु संत स्नान करेंगे। सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे नगर आयुक्त जय भारत सिंह से बातचीत की हमारा संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। आज पहला शाही स्नान है और श्रद्धालु के स्नान के बाद हर की पैड़ी को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि सफाई करा दी गई है और जो नगर आयुक्त हैं जय भारत सिंह, वो पूरी सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे हुए हैं। उनसे पूछते हैं, सर किस तरह से व्यवस्था आपने जायजा लिया है, क्या व्यवस्था यहाँ पर रही है? आपको मालूम है कि अभी कांवड़ का मेला चल रहा था, तो जो भी कांवड़ के श्रद्धालु आते हैं, जो कांवड़ लेने लोग आते हैं, तो वो अपना जो भी प्लास्टिक है और कांवड़ बनाने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल होता है, उनके पाउच वगैरह हैं, वो सब घाटों पर जहाँ बनाते हैं वहाँ छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए बहुत चैलेंज था कि इसको कैसे साफ़ किया जाए। तो हमारी टीम ने पूरी रात काम किया है और मैं भी लगभग 2 बजे रात में गया हूँ और सुबह से 6 बजे फिर यहाँ पर हूँ। हमारे लगभग 1500 के आसपास कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि आज काफ़ी सफाई नज़र आ रही है। चूंकि जो श्रद्धालु यहाँ आता उनको ये नहीं कह सकते कि आप ना जाएं, तो घाट पहले भरे हुए थे और हमारे पास बहुत कम समय था। तो हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी लगे हैं उसमें आकांक्षा के हैं, कुछ हमने आज एक्स्ट्रा लोग लिए हैं जो हमें मेले से मिले हैं और कुछ हमारे अपने परमानेंट हैं जो लगभग 500 लोग हैं, उन सभी को लगा रखा है। कल दोपहर से नॉन स्टॉप लगे हुए हैं और चूँकि भीड़ भी बाहर है इसलिए हमारी कूड़े की गाड़ियाँ भी, उन पर भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के सहयोग से हम समन्वय करके ये सब कार्य को करने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा हो सके। बिल्कुल, देखिए जब मेला होता है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो सफाई व्यवस्था कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यही कारण है कि जो नगर आयुक्त हैं जय भारत सिंह मौके पर अपने कर्मचारियों के साथ मौजूद हैं, सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और व्यापक स्तर पर सफाई व्यवस्था यहाँ पर कराई जा रही है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। महाशिवरात्रि के दिन आज हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी किया गया। शाही स्नान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बता दें सुबह 8 बजे से सभी श्रद्धालु यहां पर स्नान करने पहुंचे थे, हालांकि कुछ समय बाद ही श्रद्धालुओं को वहां से हटा दिया गया हर की पौड़ी से। कारण 11 बजे से ही अखाड़ों के सभी साधु संत वहां पर पहुंचने वाले थे और शाही स्नान की शुरुआत होने वाली थी। शाही स्नान की शुरुआत से पहले ही जगह जगह पर साफ सफाई कर दी गई थी। बता दें जूना अखाड़ा, आवान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा यहाँ पर स्नान के लिए पहुंच चुके हैं और इसके बाद समय समय पर निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और कई अन्य अखाड़े अब धीरे धीरे शाम तक हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे और शाही स्नान करेंगे। बता दें सुरक्षा के बीच पूरे इंतजाम किए गए हैं, जहां पर किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही हमने देखा जैसे लाखों में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे, गंगा स्नान किया था। महाशिवरात्रि का भी महापर्व है और महाकुंभ का पहला शाही स्नान है और ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पर इस मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी से हटा दिया गया था। कारण थोड़ी देर में शाही स्नान का आगाज होने वाला था, कई अखाड़े धीरे धीरे मौके पर पहुंच रहे थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच रहे थे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे। कोरोना काल है, ऐसे में आस्था कोरोना पर भारी पड़ते हुए साफ दिख रहा है। बता दें सरकार द्वारा जारी SOP और कोरोना गाइडलाइंस का भी करना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के दिन आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। सभी सातों अखाड़े साधु संत आज गंगा में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के भी भारी इंतजाम किए गए। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 25 सेक्टर में बांटकर पुलिस बलों की ड्यूटी लगाई गई। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, कुंभ मेले का पहला शाही स्नान है और इस समय हम मौजूद हैं हर की पौड़ी। भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई है, लगातार भीड़ लगी हुई है। सुबह योग का समय है, ये आम श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये हर की पैड़ी क्षेत्र पूरी तरह से श्रद्धालुओं से खाली करा दी जाएगी। इसके बाद जो अखाड़े हैं सन्यासियों के, वो यहाँ पर स्नान करेंगे। सन्यासियों के साथ अखाड़े हैं, आज उनका शाही स्नान है और जब यहाँ पर 9 बजे से शाम 6 बजे तक उनके लिए हर की पैड़ी क्षेत्र को रिजर्व रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये सेवा समिति के लोग हैं, जो लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं तुरंत उन्हें 3 डुबकी करने के बाद यहाँ से निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम
आज पवित्र शिवरात्रि का अवसर है। भगवान आशुतोष और माँ पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में तो शाम को जलाभिषेक से लेकर विभिन्न उनका श्रृंगार किया जाता है। इस पवित्र शिवरात्रि शाही स्नान में गंगा में डुबकी लगाना और गंगा में स्नान करके अपनी आस्था व्यक्त करना और विशेष रूप से भगवान आशुतोष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का यह दिवस है। और विभिन्न मंदिरों में बसे हुए शिव स्वरूप साधु संत सन्यासी जो आज के दिन गंगा में स्नान करते हैं, इस समय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो देवी देवता उनके साथ स्नान करते हैं, उस समय गंगा में स्नान करना अश्वमेघ यज्ञ के समान माना जाता है। ऐसी भावना के साथ पूरे देश के पूरे विश्व के सनातन परंपरावादी लोग यहाँ गंगा में पवित्र मोक्ष की डुबकी लगाते हैं और अपने गांव को गंगा जल लेके जाते हैं। ऐसी भावना के साथ साथ विशेष रूप से आज ऐसा माना जाता है कि जो ये गंगा है, यही गंगा जो हमारे मोक्ष के लिए हमारे 16 संस्कारों में जिसका प्रयोग किया जाता है और जो विशेष रूप से सबसे पवित्र नदी है, उसमें इस कुंभ के 12 वर्षों में पड़ने वाले अमृत योग जो अमृत की डुबकी होती है, अमृत ऐसी डुबकी लगाने का काम श्रद्धालु लोग करते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद है, उससे पूछते हैं शाही स्नान आपने यहाँ पर किया है, शाही स्नान उड़ीसा से आए हैं हम, संसद है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, अच्छा है, अच्छा लग रहा है नहाने के लिए, बहुत सुविधा है, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया हमको यहाँ कुंभ हम आए थे। हाँ बिल्कुल, देखिए कुंभ मेले का पहला शाही स्नान है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, गंगा में डुबकी लगाए हुए हैं, देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, स्नान किया है, बहुत लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आज की पैड़ी को शाही स्नान के लिए पहाड़ों के साधु संतों में इसे खाली करा लिया जाएगा, प्रसाद तक हर की पैड़ी पर जाया जाता है, साधु संत स्नान करेंगे, वही नजारा दिव्य नजारा जिसके लिए 12 साल लोग इंतजार करते हैं, आज यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला शाही स्नान है, पूरी कवरेज दिन भर की आज हम आपको इंडिया न्यूज पे दिखाते रहेंगे, इंडिया न्यूज हरिद्वार। आज पहला शाही स्नान है और महाशिवरात्रि का पर्व भी है, इस समय हर की पैड़ी पर मौजूद है, हमारे साथ मेला आईजी संजय गुंजाल मौजूद है। सर क्या आज की व्यवस्था है? देखिए आज जो है अखाड़ों का 7 अखाड़े हमारे 13 में से उनके द्वारा प्रथम शाही स्नान है और ये इस वर्ष का ये पहला शाही स्नान है, तो इसकी वजह से लोगों में काफी उत्साह है। और ये शाही स्नान अलग इसलिए है क्योंकि बाकी जो 3 शाही स्नान होंगे उसमें आने और जाने का रूट अलग अलग है, लेकिन इसमें आने और जाने का रूट एक ही है। और पूर्व में भी संघर्ष रहा है कि एक अखाड़ा दूसरे अखाड़े के रूट में नहीं आते हैं, और दोनों सेम रूट पे जब आते हैं तो अलग अलग टाइमिंग फिक्स करते हैं, तो इस लिहाज से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम टाइमिंग को और जो अखाड़ों के रूट और स्थान को निर्धारित करें। और पहले से हमारी मीटिंग भी है, आपस में सहमति बनी है और अखाड़ों के द्वारा इसमें काफी सहयोग दिया गया है। सर सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया है, हालांकि अब उनसे खाली करा ली गई है हरकी पड़ी क्षेत्र, कितना स्नान अभी तक हो चुका होगा? अभी तक लगभग 22 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और अलग अलग घाटों में लोग लगातार स्नान कर रहे हैं, ऐसे घाट जो आमतौर पर भरे नहीं रहते उन घाटों में भी लोग स्नान कर रहे हैं। और देखा जाए तो गंगा जी पूरा जो हरिद्वार के स्थल में कहीं भी स्नान करे तो उसका जो धार्मिक महत्व है उतना ही है। सर SOP लागू की गई है 3 दिन के लिए, क्या किस तरह से उसका पालन हो रहा है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लागू करने की कोशिश की गई है, लेकिन अखाड़ों में भीड़ में कई बार उसको एग्जीक्यूट करना है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लगवाना घाटों में बेदिंग के दौरान थोड़ा मुश्किल रहता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी रहती है। हमारे साथ मौजूद थे मेला आईजी संजय गुंजाल, उन्होंने बताया कि अभी तक 20 लाख श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान कर चुके हैं।